अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दही बड़े, और मज़ेदार से दही बड़े जो होम मेड आप लोग घर में बआसानी बना सकते हैं। किस तरह बनेंगे, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने ना दही, ये बूंदी ना हमारे इधर मिल जाती है, ये मैंने ना दही में भिगो दी थी, ठीक है। अच्छे स्टोर्स में पैकेट मतलब मिल जाते हैं, तो आप किसी भी सुपर स्टोर से जाके ये जो से बूंदी के पैकेट है वो ले सकते हैं। हाँ जी, अब मैंने ना ये ना भिगो दी थी। अब इसमें ना मैंने ना ये प्याज टमाटर आपके सामने डाल दिया। मैं ना आलू लाती हूँ। आप पहले मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स बता दें, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हैं और क्या कितनी मिकदार में आपने ये देखे। ये मैंने आलू डाले इसमें, ये मिक्स करूँगी, ये देखें आपके सामने, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर मीठा बनाने चाहते हैं तो थोड़ी सी आप चीनी भी डाल लें इसमें, ठीक है। ये मैंने डाल दी, ये चटनी बनाई हुई मैंने, ये मैंने चटनी भी साथ डाल दी। ये चटनी किस चीज़ की है? ये धनिया पुदीना हरी मिर्च और सुरख मिर्च मोटी वाली, दादरी। वो हाँ दादरी वाली वो पीसी है मैंने। तो ये दही डाल के ना, ये गर्मियों का मौसम है ना, ये घर में ना बन जाती हैं। हाँ, अच्छी मतलब लगती है ये फुलके सी ना। हाँ जी, ये देखें, हाँ मतलब जी। मैंने ये भी सुना है खाना भी खा लेते हैं मतलब इनके साथ, लेकिन वैसे जो लोग, वैसे हमने नहीं कभी खाना खाया, मैं तो हम लोग तो वैसे ही खाते हैं इसे। हाँ, एक्स्ट्रा ही मतलब होता है ये हमारा। तो आप मतलब गर्मी के दिन क्योंकि बड़े होते हैं, अगर आप लोगों ने खाना खा लिया है या अभी आपने मतलब थोड़ा सा लेट नाइट खाना खाना है और आपको भूख महसूस हो रही है, तो ये चीज़ें हैं जो सी हेल्दी हैं और घर में पड़ी पड़ी मतलब होती हैं। बस आप बूंदी मंगा के रख लें पैकेट वगैरह, तो उसको आलू उबालें आप, उसी वक्त ये बन जाएगी, वो जल्दी बन जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है और सबको बहुत पसंद है। तो आप लोग घर में बना सकते हैं बजाय इसके कि आप लोग बाज़ार में लें, बाज़ार से जाकर लें, आप घर में जो से दही बड़े वो आसानी बना सकते हैं। ये मैंने इसकी तो स्पाइसेस वगैरह हम लोगों ने, हाँ जी यही बस, ये चटनी डाल दी ना। ओके, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप चाट मसाला डाल लें। ओके हाँ, चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं फॉर टेस्ट आप। तो ये बन गया हमारा? हाँ जी, ये बन गई चटपट। वाओ, मतलब दो मिनट भी नहीं लगे। आलू मैंने उबाले हुए थे ना, और इतनी जल्दी मतलब ये तैयार हो गया सब कुछ, और आप लोगों के सामने ही मतलब हम लोगों ने सब कुछ तैयार कर लिया है बातें करते करते। तो ये है इसका फाइनल लुक, मतलब दो मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ आप लोग सब कुछ पहले करके रख लें, मतलब ये जो बूंदी है इसको भी तैयार करके रख लें, आलू जो उनसे उसको बॉईल कर लें, कट कर लें, क्योंकि हम लोग सब कुछ पहले किया हुआ था इसलिए हमें टाइम नहीं लगा। जस्ट हमने इसको मिक्स किया, स्पाइस हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। अगर आप लोगों ने थोड़ी स्वीटनेस का टेस्ट देना है तो आप इसके अंदर जो उनसे शुगर ऐड कर सकते हैं फॉर स्वीटनेस, अदरवाइज हम लोगों ने और कुछ ऐड नहीं किया इसके अंदर, और इसको स्पाइसेस हम लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको झटपट जो से बनने वाले होममेड दही बड़े वो पसंद आएंगे। पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं ये मैंने कहा चटनी डाल दूँ ना और ज़रा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, गार्निशिंग का थोड़ा सा रह गया था उनका। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो व्यूवर्स, हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार जो सा है वो हमें देते रहें, ताकि जो सा हमारा चैनल, बल्कि हमारा नहीं आप लोगों का जो सा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। अल्लाह हाफिज़।